वेलकम टू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अंसारी आप सभी लोगों का रॉकिंग साया संजू बाबा एंड प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ द्वितीय यानी केजीएफ चैप्टर 2 के डे नंबर 17 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, केजीएफ हैज गॉन बजर्क, इट्स गॉन बनानास, इट्स गॉन बॉन्कर्स। एंड गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत बड़े धमाके के साथ, क्योंकि गाइस मैंने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी एंड ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। दीज आर क्रेजी थिंग विच इज हैपनिंग फॉर केजीएफ। रनवे आ गई मेरे पास हीरोपंती 2 आ गई है। अब मैं केजीएफ को कैसे मैक्सिमाइज करूं? वो कहते हैं ना कि यहाँ पे दिमाग आता है एंड यहाँ पर सूरत वालों ने जो हरकत की है इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सूरत में चलो 12 बजे का शो कॉमन है, पैसे है, यू नो, लेकिन सूरत में सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स सूरत रात का 1:10, 1:55। गाइस दीज आर क्रेजी गाइस, आई कैनॉट बिलीव दिस। आईनॉक्स डीआर वर्ल्ड सूरत रात का 1:30 बजे का, सुबह 3 बजे का, 6:30 बजे का, 7:10 का, 8:05 का, आई मीन उन लोग 24 आवर्स केजीएफ चैप्टर 2 चला रहे हैं अपने सिनेमा घरों में। इतना ही नहीं, राज इंपीरियल आईनॉक्स वर्चा रोड, ओके, 12:25 AM, 1 AM, 1:45 AM, 2:45 AM, 3:45, 4:15, 4:45, 5:10, ये मैं कुछ सुबह के शोज बोल रहा हूँ, आप लोग जाके बुक माई शो पे चेक कीजिए। दीज आर गोइंग क्रेजी गाइज, सीरियसली बोल रहा हूँ। टू अकोमोडेट द शोज ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 ये कर रहे, क्यों मैं आपको बताऊं, केजीएफ चैप्टर 2 संडे को 10 करोड़ करने वाला है। यस फ्रेंड्स, संडे को 10 करोड़ करेगा एंड गाइज हीरोपंती एंड रनवे दोनों से ज्यादा कमाने वाला है। दीज आर क्रेजी नंबर्स, ये जो स्टाइल है, दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं एग्जैक्टली डे नंबर 16 को क्या हुआ इस फिल्म के साथ। हिंदी वर्जन 4.25 करोड़, 353.06 करोड़, ह्यूज अचीवमेंट, 353.06 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके कलेक्शंस की पूरे इंडिया की। तो हिंदी में कितना आया इसका, 5 करोड़ आया ग्रॉस कलेक्शन। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि फिल्म कहीं ना कहीं सिर्फ 30 लाख कमाएगी, आचार्य इज डिसअपॉइंटिंग। फर्स्ट डे का ग्रॉस सिर्फ 53 करोड़ आया है एंड गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, वहां का जितना ऑडियंस था केजीएफ में गया है। एपी तेलंगाना कलेक्शन कल का 1.3 करोड़ आया गाइस, 1.3 करोड़ बहुत बड़ी बात है, फिल्म गिर गई थी पूरी। आचार्य अगर चलती ना तो कल आराम से कलेक्शन सिर्फ 40 लाख का आता। कर्नाटक का 2 करोड़ का प्रेडिक्शन था, 3 करोड़ आया एंड गाइस केरला में 20 लाख का प्रेडिक्शन दिया था, 60 लाख आया। यानी कि नए रिलीजेस का, चाहे वो आचार्य हो, सेतुपति की फिल्म हो, अजय देवगन की फिल्म हो, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हो, किसी भी फिल्म आने के वजह से यहाँ पे केजीएफ चैप्टर 2 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। बात करो तमिलनाडु की, है ना मच्चा, 71 लाख, हाँ सेतुपति फिल्म, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1.9 करोड़ रुपीज कमाया। दीज आर क्रेजी स्टफ मैन। मेरा प्रेडिक्शन कल का केजीएफ चैप्टर 2 का इन अकॉर्डिंग टू द न्यू रिलीजेस के नई फिल्म आई है इसको तकलीफ होगी, 9 करोड़ था, इसने ऑल इंडिया 11.8 करोड़ रुपीज कमाया। इसी के ब्रेस योर सेल्फ, इंडिया का टोटल जो है वो है 816.55 करोड़, यानी कि 816.55 करोड़। ओवरसीज इस फिल्म का मेरा प्रेडिक्शन था 1 करोड़ एंड ऑफिशियल कलेक्शन है 1.2 करोड़। इसी के साथ गाइज इसका जो टोटल वर्ल्ड वाइड है वो होता है 13 करोड़ एंड गाइज ब्रेस योर सेल्फ, इस फिल्म ने 16 डेज में 996.11 करोड़ कमाया है। वंडरिंग 1000 करोड़ का पोस्टर क्यों नहीं आया? गाइज 1000 करोड़ अभी नहीं हुआ है, आज 1000 करोड़ आएगा एंड डेफिनेटली कल होमबले वाले जो है वो 1000 करोड़ का जो पोस्टर है वो श्योर शॉट रिलीज करेंगे। एंड कल अगर रिलीज नहीं किया तो सोच लेना कि उनको मूड में नहीं है वो 1000 करोड़ का पोस्टर रिलीज करने में। सो गाइस टिल 16th डे यानी कि फ्राइडे द कलेक्शन ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 आर 996.11 करोड़। यहां तक एपिसोड समझ में आया, एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। डे नंबर 17, केओस, क्रेजीनेस, मैडनेस, केजीएफ चैप्टर 2 बोलते ना राइजिंग अप फ्रॉम द एशेस, धीरा 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 रे सुल्ताना, क्रेजी। हिंदी वर्जन 7.5 करोड़ रुपया कमाने वाला है कल गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। हीरोपंती वहां पे 5.5 पे चल रहा है, रनवे 5 पे चल रहा है, ये 7.5 करोड़ पे जा रहा है। एंड शोज माइंड यू हीरोपंती रनवे से कम है, ईद के दिन ये कमाएगा ज्यादा लेकिन शोज भी उन तक लेके जाएगा।
याद रखना KGF चैप्टर 2 में बोलता था ना कि ईद 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 दिस इज गोना बी मैक्सिमम, संडे कल 10 करोड़ आ रहा है, ईद के दिन ये क्या करेगा तुम लोग सोच नहीं सकते हो। एंड आज कौन सा दिन है इसका, 17th डे सैटरडे, 18th डे संडे, 19th डे मंडे, 20th डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाएगा KGF चैप्टर 2 एंड इतिहास रचेगा कि 20वें दिन पे इस फिल्म ने इतना कमाया है। तो कल का हिंदी का कलेक्शन का प्रेडिक्शन 7.5 करोड़, तो इसका हिंदी कलेक्शन हो जाएगा 360 करोड़। मैडनेस, दंगल गया, दंगल की छुट्टी, 400 करोड़ टच करने वाला KGF चैप्टर 2। बात करो इसके ग्रॉस की, 8.50 करोड़, कर्नाटका 5 से लेकर 5.5 करोड़, पागलपना देख रहे हो, कर्नाटका क्या जंप ले रहा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2.3 से 2.75 करोड़, तमिलनाडु 4 करोड़ का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, दीज आर ब्रेव प्रेडिक्शंस, क्योंकि गाइस कल ये होने वाला है। केरला 1.25 करोड़। इसी के साथ माई प्रेडिक्शन इन द इंडिया फॉर KGF चैप्टर 2 इज 21 से 22 करोड़, एंड ऐसा अगर हुआ तो इंडिया का जो टोटल है इसका वो कहीं ना कहीं 839 से 840 करोड़ चले जाएगा। इंडिया में अगर इसने 1000 करोड़ मार लिया ना, ओनली इंडिया विदाउट ओवरसीज, इट्स गोना बी क्रेजी। हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी वेट एंड वॉच, संडे मंडे ट्यूसडे इसकी पूरी की काया पलट के रख देगा कलेक्शंस की, एंड पीपल विल बी लेफ्ट नम्ड एंड स्टंड कि व्हाट KGF चैप्टर 2 डिड द इंडियन बॉक्स ऑफिस। बात करूं गाइस यहां पे ओवरसीज की, ओवरसीज 3 करोड़ आएगा कलेक्शन, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल आएगा 25 करोड़ का, एंड कल जाके फाइनली 1000 करोड़, 1021 करोड़ इज व्हाट KGF चैप्टर 2 विल बी स्टैंडिंग टुमारो एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, जो कि अपने आप में ही एक यू नो यूनिक अचीवमेंट होने वाला है। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। वेट अ मिनट, अरे भैया ये सुनने के लाए थे, अब तो मजा शुरू हुआ है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चले कलेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर कर्नाटका से, तो मॉर्निंग शो 23%, लुक एट द गेम नाउ, गेम हैज जस्ट बिगन, आफ्टरनून 38%, इवनिंग 42%, एंड रात के शोज फिलहाल 50% पे चल रहे हैं। KGF चैप्टर 2 इन बेंगलुरु इज ऑन फायर, 255 शोज कमी दे, ऑक्यूपेंसी नोड़ा 1 साल तुम्बा जास्ती आगे दे, 45% ऑक्यूपेंसी। हुबली की बात करूं, ओनली 18 शोज, 38% ऑक्यूपेंसी। मैंगलोर की बात करूं, 25 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी। गुलबर्गा भरी 4 शोज ही दे, 80% ऑक्यूपेंसी। बेलगाम 8 शोज, 17% ऑक्यूपेंसी। लुक एट मैसूर, 28 शोज, 60% ऑक्यूपेंसी। शिमोगा 13 शोज, 70% ऑक्यूपेंसी। कुंदापुरा 12 शोज, 49% ऑक्यूपेंसी। टुमकुर 10 शोज, 58% ऑक्यूपेंसी। स्वल्प जास्ती शोज कुड़ी, प्राइड ऑफ कर्नाटका, प्राइड ऑफ कन्नड़ा सिनेमा, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, प्लीज गिव एक्स्ट्रा शोज इन कर्नाटका फ्रॉम टुमारो, इट्स अ रिक्वेस्ट। बात करो हिंदी की, ऑल गन्स ब्लेजिंग मेरा भाई, इट्स ऑल द वे पंपिंग एट द बॉक्स ऑफिस। मॉर्निंग शोज 25%, आफ्टरनून मैडनेस 30%, इवनिंग शोज 48%, एंड रात के शोज 52% पे चल रहे हैं। मुंबई विथ ओनली 318 शोज, वॉपिंग ऑक्यूपेंसी ऑफ 46%, ऐसा पलट के रख दिया KGF ने। दिल्ली NCR 406 शोज, 39% ऑक्यूपेंसी। पुणे 141 शोज, 47% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 23 शोज, 69% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 32 शोज, 40% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोलकाता 141 शोज, 31% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 205 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी। लुक एट चेन्नई 9 में 9 शोज हाउसफुल। सूरत 140 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी। ये रात के जितने भी शोज है, 1 बजे के, 2 बजे के, 3 बजे के, ये सब कलेक्शंस में ऐड होंगे, कब के, कल के, टुडे 12 o'clock दिस डे एंड्स। तो कल मजा आएगा भाई, कल अगर 10 करोड़ मारा ना भाई, 370+ करोड़ हो जाएगा अपना इंडिया में, एंड उसके बाद ईद के दिन दंगल दंगल। और थ्री, ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो गाइस चंडीगढ़ की बात करूं, 56 शोज में 29% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 37 शोज में 22% ऑक्यूपेंसी। 7.5 करोड़ डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन लुक एट दिस, द मलयालम वर्जन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी क्वाइटली। कल ऐसा लग रहा था कि मलयालम वर्जन बस 20-25 लाख में ढेर हो जाएगा, 60 लाख के ऊपर कलेक्शन आया है गाइस। एंड नाइट के जो शोज है केरला में 29% पे चल रहे हैं। लुक एट कोची 76 शोज, 25% ऑक्यूपेंसी। त्रिवेंद्रम 56 शोज, 28% ऑक्यूपेंसी। कोझिकोड 16 शोज में 75% ऑक्यूपेंसी। लुक एट त्रिशूर 25 शोज, 40% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोल्लम 21 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोट्टयम 16 शोज में 28% ऑक्यूपेंसी, डिसेंट ऑक्यूपेंसी है।
कल डेफिनेटली ऑलमोस्ट करोड़ के ऊपर कलेक्शन यहाँ पे केरला से जाते हुए दिखाई दे रहा है। लुक है तमिलनाडु, मैन तमिलनाडु में एक अलग लीग में जा रही है फिल्म। 20 के कलेक्शंस ऑलमोस्ट वो हो गए हैं एंड केजीएफ चैप्टर 2 एक अलग लीग में गया। डिस्पाइट सेतुपति इस फिल्म, केजीएफ चैप्टर 2 इज ब्रिंगिंग इन सम इनसेन नंबर्स। मॉर्निंग 39% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 48, इवनिंग 59। अगर ये हर हफ्ते ये किया, आई एम डैम श्योर अगले हफ्ते डॉक्टर स्ट्रेंज आने के बाद भी ये करेगा। जयेश भाई जोरदार तक कमाएगा एंड जयेश भाई जोरदार के बाद भी कमाएगी ये फिल्म, ये बात याद रखना। चेन्नई में 182 शोज में 60% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में तमिल शोज 28 है 59% ऑक्यूपेंसी, बट लुक एट मदुरा है ब्यूटिफुल पिक्चर 51 शोज 39% ऑक्यूपेंसी, कोयम्बतूर 68 शोज में 67% ऑक्यूपेंसी, लुक एट पोंडिचेरी 17 शोज 79% ऑक्यूपेंसी, दिंडीगुल में 13 शोज 38% ऑक्यूपेंसी, त्रिची इज जस्ट क्रेजी मैन 22 शोज 79% ऑक्यूपेंसी। तमिलनाडु हो, केरला हो, हिंदी वर्जन हो या फिर कर्नाटका हो, दिस इज एन यूनिवर्सल ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम इन ट्रू सेंस। अब गाइस बात करेंगे इसके आईमैक्स वर्जन की, तो आईमैक्स में मुंबई में 29 शोज है 37% ऑक्यूपेंसी, लुक एट दिल्ली एनसीआर 20 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी, लुक एट लखनऊ 5 शोज में 49। द आईमैक्स वर्जन इज ऑल्सो पंपिंग इन द मनी, लेट्स सी गाइस ये फिल्म कहीं भी जा सकती है अभी। एंड कल डेफिनेटली हिंदी वर्जन 7 से 7.5 करोड़, अगर जो इंडिया का पोस्टर आया तो 838 से 839 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड पोस्टर आया तो 1021 से लेके 1022 करोड़। अब ये ऑफिशियली 1000 करोड़ क्लब में एंटर कर ली है, तो कल संडे भाई, ओ संडे भाई पोस्टर रिलीज कर दीजिए, हम्बले वाला 1000 करोड़ का इंतजार रहेगा। ओके यार, सब आज का वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। स्मैमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल, हैप्पी संडे।